अभी तक हम लोगों ने जितने भी फार्मूले को प्रूफ किया है उसमें ये पहला फार्मूला ऐसा है जिसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्व टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इन टू ए प्लस बी यहाँ पर कुछ है नहीं सिर्फ हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है और इसको पहुँचाना है यहाँ कहने का मतलब कि ये जो इसका लेफ़्ट हैंड साइड है यह है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको हम लोग कुछ नहीं अरेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्कोप ही नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि उसको हम लोग सब भी करेंगे अब देखो कि इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए ए प्लस बी होल क्यूब है लेकिन हमें चाहिए ए प्लस बी तो कहीं ना कहीं हम इसमें कुछ क्या ऐड करें जैसे पहले हम लोग ए क्यूब को देखते हैं जरा ध्यान से सोचो कि ए क्यूब में हम लोग ऐसा क्या ऐड करेंगे ऐड करेंगे उसके बाद तो हम लोग उसमें से कॉमन लेंगे तो आखिर इसमें से क्या ऐड करें जब हम कॉमन लें तो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्मेट में आंसर आए जैसे ए क्यूब है इसमें यदि हम लोग ए ऐड करते हैं तो हमें जब ए कॉमन लोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस वन हो गया तो ये ए स्क्वायर तो हमें चाहिए ना हमें चाहिए अब क्या करें एक बार ये करके देखो इसमें ए स्क्वायर ऐड करो तब क्या है यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है और यहाँ पर सिर्फ़ ए बचेगा तो ये ए प्लस वन हो गया और हमें चाहिए ए प्लस बी तो हम क्या करेंगे इस ए स्क्वायर के साथ हम लोग एक बी भी ऐड करेंगे अब जब इसमें हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ये वही चीज़ है कुछ ऐसा जो हमें चाहिए ठीक है ना तो हम लोग क्या करेंगे इसमें a क्यूब में हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी को ऐड करेंगे तो हमें एक ए बी मिलेगा अब इसको देखो ये प्लस बी क्यूब है अब सोचो कि इसमें भी हमें कुछ साइन करना पड़ेगा बी क्यूब है इसमें यदि हम लोग बी स्क्वायर ऐड करते हैं कॉमन लेने के बाद यदि बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा और ये वन हो जाएगा लेकिन वन तो हमें चाहिए नहीं हमें तो ए चाहिए तो यहाँ भी हम लोग ए ए बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो जब बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ये ए बच जाएगा ठीक है तो यहाँ भी बी के साथ हम लोग ऐड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ए बी स्क्वायर अब ए क्यू प्लस बी क्यू तो इसी तरह है हमने इसमें ऐड किया है ए स्क्वायर प्लस बी और ए बी स्क्वायर को ऐड किया है ए स्क्वायर प्लस बी नहीं ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को ऐड किया जब ऐड किया है तो हम लोग इसको यहाँ पे इसको हटाओ इसको हम लोग यहाँ पर सब भी करेंगे ठीक है सब क्या कर देंगे इसको हम लोग सब करेंगे ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ठीक है तो जो चीज़ हमने ऐड किया उन दोनों को सब भी कर दिया तो इसके वैल्यू पर कोई चेंज नहीं हुआ ये एज इन रहेगा अब आगे देखो इसमें हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ये बच जाएगा ए और ये बच जाएगा बी ठीक है प्लस बी स्क्वायर में जब हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें तो ये कॉमन लिया और इस दोनों में जब हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बी एक बच गया और यहाँ सिर्फ ए बच गया बाकी ये उसी तरह रहेगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ठीक है अब इस दोनों में देखो इस दोनों में दोनों में a प्लस बी और b बी प्लस ए एक ही चीज़ होता है तो ये दोनों कॉमन है हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू यहाँ बच गया ए स्क्वायर और यहाँ बच गया प्लस बी स्क्वायर ठीक है माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर तो ऊपर से नीचे एज इंटैक्ट रहेगा अब एक ए बी स्क्वायर तो हमें मिला लेकिन हमें ए बी का होल क्यों अभी हमें दो और चाहिए तो फिर इसमें भी हम कुछ उसी तरह का काम करेंगे जैसा हमने यहाँ किया तो यहाँ क्यूब था तो हमने स्क्वायर ऐड किया यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग जनरली सिर्फ ए बी एड करके देखते हैं क्या होता है हम लोग ये तो ए प्लस बी इसी तरह रहेगा यहाँ पर हम लोग ए, ए स्क्वायर प्लस ए बी ये प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ भी हम लोग ए बी ही ऐड करेंगे ठीक है अब क्या है कि हमने दो ए बी ऐड किया है तो हमने टू ए बी माइनस भी कर दिया और इसको बंद कर दिया तो इसकी जो वैल्यू है ए स्क्वायर अभी भी ये ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर ही है क्योंकि ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये माइनस टू कैंसिल हो जाएगा बाकी जो ऊपर बचा हुआ है ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ठीक है अब हम लोग इस सेक्शन को देखते हैं जो काम हम लोगों ने यहाँ किया था कॉमन लेने का वो इसमें भी करेंगे कैसे होगा ये ए प्लस बी है ठीक इस दोनों में हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं तो जब ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यहाँ भी दोनों में बी कॉमन है तो हम लोग बी कॉमन लेंगे इसमें और इसमें बी कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा बी और यहाँ रह जाएगा सिर्फ ए माइनस टू ए बी अब देखो ये होल सेक्शन है तो कहीं अलग अलग कन्फ्यूजन ना हो जाए इसके लिए हम लोग इसको करली ब्रैकेट में इन्क्लोज कर देते हैं बाकी जो है एज यूजल ऊपर से नीचे आ जाएगा ये हो गया ठीक है अब देखो इस वाले सेक्शन को ठीक है इस दोनों में क्या कॉमन है इस दोनों में ए प्लस बी कॉमन है ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी रहेगा यहाँ बच जाएगा ए और यहाँ बच गया बी ठीक है माइनस टू ए बी क्लोज एज इंटैक्ट रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अब जब इसको हम लोग आगे फर्दर करेंगे तो ध्यान से देखो ये ए बी प्लस ए बी इंटू ए बी है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया अब क्या है कि इस टर्म को हम लोग इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको यूज़ करेंगे इसको हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब ठीक है इस पॉइंट को ध्यान से समझना इस ए प्लस बी को यहाँ ये एक सेक्शन है और एक ये सेक्शन हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब उसके बाद हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू ए बी इंटू ए प्लस बी ठीक है इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ठीक है अभी देखो कि इसको अभी हम लोग यहीं लिखते हैं अब ए प्लस बी का ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी माइनस टू ए बी को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया और माइनस टू ए बी को जब बी से करो मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दो स्क्वायर बी यहाँ है और एक यहाँ है तो ये टोटल जाएगा तीन पहले हम लोग स्क्वायर जिटीज लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है दो और एक तीन तो ये हो जाएगा थ्री ए, ए स्क्वायर बी और यहाँ बच गया ए बी स्क्वायर दो ए बी स्क्वायर और एक ए बी स्क्वायर ये और ये तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ए बी स्क्वायर ठीक है अभी हमें लाना है इस फॉर्मेट में तो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब है ही अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखो इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें हम लोग माइनस थ्री ए बी कॉमन ले सकते हैं तो जब हम लोग माइनस थ्री ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बाहर निकल चुका है ऑलरेडी कॉमन में तो ये प्लस हो जाएगा तो थ्री ए बी निकल गया तो सिर्फ यहाँ ए बचेगा तो ए रह गया और यहाँ माइनस था ये भी जब बाहर निकल चुका है तो यहाँ भी सिर्फ प्लस ही रह जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ थ्री ए बी निकल गया बाहर तो सिर्फ एक बी बच गया ये हो गया बी अभी देख लो ये वही चीज़ है जो यहाँ आर एच एस में दिया हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ठीक है ये हमारा आर एच एस प्रूफ हो गया तो इस फार्मूले में क्या है कि जब भी आपको कोई ऐसा टर्म मिले ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिले जिसमें कुछ भी उसी एज इज जैसा वो है उसमें कुछ कैलकुलेशन करने को आपको नहीं मिल सकता है तो आप उसमें कुछ ऐड करें या सब ट्रैक करें लेकिन जो भी करें उसके काउंटर में उतना ही चीज़ उसमें ऐड सब ट्रैक भी करें जैसे हमने यहाँ प्लस ए स्क्वायर भी किया और प्लस ए बी स्क्वायर किया तो इतना ही कोई यहाँ माइनस भी कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको करने के पीछे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके साथ कि जो इस तरह के कैलकुलेशन का जो कंसेप्ट है वो आपका निश्चित रूप से क्लियर होगा ठीक है थैंक यू